हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और सिंपल सी और आसान से मकरोनी की रेसिपी। मकरोनी या पास्ता, आप जो भी इसे कहते हैं, बहुत ही झटपट से बनाएंगे कि आप कभी भी आपका कुछ क्रेविंग हो ना कुछ खाने की, तो आप इसे फटाफट से बना पाए। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक पतीले में 2 लीटर के आसपास पानी ले लिया है और इसको उबलने के लिए रख दिया है। पानी को उबालेंगे फिर उसमें पास्ता या मकरोनी जो भी आप बना रहे हो वो इसमें डालना है। मैंने छोटी वाली मकरोनी यूज़ की है, जो आटे वाली आती है ना, वीट वाली, वो उबलते पानी में डाल दी है। साथ में नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी। एक्चुअली मुझे इसमें कलर अच्छा लगता है, आप चाहो तो हल्दी को स्किप भी कर सकते हो। मैंने कोई तेल नहीं डाला है और इसको बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, नहीं तो ये टूटने लग जाएगी। बस इसको 2-3 मिनट के लिए उबालना है, मतलब पानी उबल गया ना तो गैस को सिम कर दो और इसको थोड़ा 2-3 मिनट के लिए पकने दो। बस इतना ही इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत जल्दी पक जाती है ये। तो देखो ये पक गई है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये अलग अलग सी हो गई है और हाथ से आप देखोगे ना तो ये पक गई है। ओवर कुक इसको नहीं करना है, बस गैस को बंद कर दो और फटाफट से ना इसको फिर छलनी से छान लेंगे, नहीं तो ये पानी में पड़ी रहेगी तो ये और सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको बस छलनी से छान लेंगे। अगर आप नहीं बना रहे हो ना तो इसको ठंडे पानी से धो के भी रख सकते हो, अगर ज़्यादा पक गई है। बस छलनी से छान के रख दिया है। अब कढ़ाई में तेल या बटर जो भी आप लेना चाहो ना, मैंने तेल लिया है, उसमें थोड़ी सी मैंने डाली है, राई आती है ना जो मोटी वाली सरसों, वो डाली है। मुझे मूंगफली इसमें काफ़ी पसंद है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। करी पत्ता डाले हैं और एक कटा हुआ प्याज, ऐसे रफली मोटा मोटा प्याज काट के इसमें डाल दिया है। और थोड़ी सी 2 हरी मिर्च डाली है, काफ़ी तीखी है, आप चाहो तो थोड़ी लाल मिर्ची भी डाल सकते हो, मैंने सिर्फ हरी मिर्ची डाली है इसमें। और प्याज को कच्चा पक्का सा रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे पक जाए थोड़ी सी गाजर डालेंगे। उबले हुए मैंने मटर डाले हैं, मटर काफ़ी अच्छे लगते हैं इसमें, अगर ट्राई नहीं किया ट्राई करके देखना। अगर आप फ्रोज़न यूज़ कर रहे हो ना तो उबालने की ज़रूरत नहीं है, और ताज़ा मटर यूज़ कर रहे हो तो पहले थोड़ा सा बॉयल कर लेना, फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक सब्जियों के टेस्ट के अकॉर्डिंग। मकरोनी में तो डाल ही दिए, थोड़ा मैंने मैगी मसाला डाला है आधे छोटी चम्मच, और इसको मिक्स करके बस कच्चा पक्का सा सब्जियों को पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मशी मशी सा नहीं करना है इसको। कच्चे पक्के ऐसी सब्जियाँ पकानी है, ऐसे ही स्वाद लगती हैं इसमें। इसको सब्जी को पकाएंगे 2-1 मिनट लगेंगे। फिर 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने टोमेटो सॉस डाली है और नींबू डाला है, 1 नींबू इसमें डाल देना, नींबू से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। नींबू डाल दिया, सॉस डाल दी और इसको बस 2-1 मिनट के लिए भी, मतलब 1 मिनट के लिए इसको पकाना है, बस मिक्स करना है कि सॉस अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। उसके बाद जो मकरोनी को छलनी में रखा था ना, धो के रखा था, वो मकरोनी इसमें डाल देंगे। गैस को बिल्कुल कम ही रखना है, नहीं तो क्या नीचे वो चिपकने लग जाती है। आप चाहो तो इसमें ऑरेगानो वगैरह एक्स्ट्रा डाल सकते हो, बट कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, बस ऐसे ही बनाओगे ना तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में भी बना सकते हो, शाम के टाइम भी, मतलब कभी भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो बस देर किस बात की, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए खाओ पियो खुश रहो, बाय बाय।